जीत रंगोली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक सुंदर सा राम सीता के रंगोली बनाना सीखेंगे। तो आप दिवाली में बना सकते हो, दिवाली में राम सीता के रंगोली बहुत ही सुंदर लगेगा। स्टेप बाय स्टेप रहेगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो एक राउंड शेप में मैंने एक बैकग्राउंड बनाया और वहाँ पर राम सीता बैठे हैं। सिंपल है ड्राइंग एकदम, और सिंपल शेडिंग है। देखिए करके सीखते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग सबसे पहले तो हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए पहले एक सीधा लाइनिंग ले लेंगे और लाइनिंग के एक साइड में राम जी को बनाएंगे और एक साइड में सीता मैया को बनाएंगे। तो जस्ट शुरुआत में एकदम आईज नोज ये बनाना नहीं होता है, आपको शुरुआत में एक लाइनिंग खींचना होता है कि कहाँ पे फेस रहेगा, कहाँ तक हाथ आएगा, कहाँ तक पैर रहेगा। एक सिंपल सा रफ लाइनिंग बनाना होता है। ठीक है, मैं जस्ट हल्का सा मैं वो मेजरमेंट ले रहा हूँ, एक अंदाज ले रहा हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ रहेगा। जैसे अपर फेस, हाथ, फिर जो बैठा है पैर, उतना जगह मैंने कुछ सिंगल सिंगल लाइनिंग दिया। और इसी के कंधे से, यानी राम जी के कंधे से ही सीता मैया के जो पल्लू है वो, फिर पल्लू में फिर फेस, और यहाँ पर ड्राइंग एकदम हार्ड नहीं है, सिर्फ फेस बनाना है। और जैसे राम जी धनुष पकड़े हैं एक हाथ में, और फिर इनका ड्रेस, और सीता मैया का भी फेस है, सिंपल से एक हाथ दिख रहे और बैठे हैं पोजीशन में, और इनके साड़ी। इतना एक अंदाजित से आपको ड्रॉ करना है रफ रफ। उसके बाद फिर से एक थोड़ा सा फाइन, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना है आईज नोज़, जो हेयर वगैरह है वो सेकंड स्टेप रहेगा। तो सेकंड स्टेप का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर रंगोली से ड्रॉ कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको चॉक से ड्रॉ कर सकते हो, या टाइल्स पे बना रहे हो तो टाइल्स पे आप जो क्रायन कलर होता है, वैक्स कलर होता है, जो ऑयल पेस्टल बोलते हैं सरासरी, ऑयल पेस्टल से ड्रॉ कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पर मैं ऑयल पेस्टल से ड्रॉ किया रहता तो कैसा कम दिखता था ड्राइंग, इसलिए मैं वाइट रंगोली से ड्रॉ कर रहा हूँ। आप चाहे तो टाइल्स पे बना रहे हो तो आप ऑयल पेस्टल से ड्रॉ कर लीजिए। ऑयल पेस्टल अच्छे से ड्रॉ भी हो जाता है और वो मिट भी जाता है। ठीक है, ड्राइंग के बाद एक फुल फोटो रहेगा, वो फोटो का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इस प्रकार के ड्रॉ कर लीजिए सिंपल में। ठीक है, तो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको मेजरमेंट बताऊँगा कितना मेजरमेंट में वो राउंड लिया। तो जस्ट एक धनुष है हाथ में, क्या होता है जब हम कुछ चीज़ देखते हैं ना तो हमें हार्ड लगता है कि अरे ये चीज़ बनेगा कैसे बनेगा, तो हम शुरू ही नहीं करते वो काम और फिर होता ही नहीं। इसलिए जस्ट आप स्टार्ट कीजिए कि हाँ मुझे बनाना है बनाना है, तो आप फेस स्टार्ट कीजिए, हाथ बनाइए, धनुष बनाइए, आज जो बैठा है वो कपड़े बनाइए, तो देखिए धीरे 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 वो होते जाएगा। एग्जैक्टली मेरे जैसा नहीं होगा क्योंकि मैंने जो फोटो देख के बना रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा नहीं है। हाँ, वो सिर्फ उसका थीम लिया मैंने कि वो कैसे बैठा है, उसका कलर कम्बिनेशन लिया और अपने हिसाब से वो आइज़ वगैरह नोज़ वगैरह बनाया। ठीक है, तो ऐसे आप ड्रॉ कीजिए अपने हिसाब से आइज़ नोज़ बनाइए, पर पोजीशन तो वही रहेगा ना कि राम सीधा बैठा है, उतने दिखने चाहिए बस हमें। तो मैंने सिर्फ वो राम जी का ड्रॉ कर लिया रंगोली से, और जस्ट यहाँ पर सीता मैया का फेस, तो सीता मैया का जो हाइट है वो राम जी के थोड़ा सा कम लेना है। जैसे राम जी का जो हेयर है ऊपर में चोटी, उससे थोड़ा सा नीचे, हल्का सा तिरछा देख रहे हो, तिरछा है फेस फेस। अब चाहे तो इसको सीधा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने फेस ड्रॉ किया, फिर पल्लू, जैसे सीता मैया के घूंघट और उसके साइड से हेयर है, बाल है, और जस्ट यहाँ पर बैठने का पोजीशन, इतना ही ड्रॉ, सिंपल सा ड्राइंग है एकदम। और इसका कलर भी एकदम सिंपल है, मतलब जैसे वो ऑरेंज कलर का ड्रेस है इन दोनों का, तो वो भी शेडिंग बहुत ही सिंपल है।
तो आपको जस्ट ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करना है तो ये सोचना नहीं कि होगा नहीं होगा, बस ड्रॉ करना है। ड्रॉ करोगे तो अच्छा ही बनेगा वो। ठीक है, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद उसके हिसाब से मैं राउंड बनाता हूँ कि कितना राउंड लेना चाहिए मुझे बाहर। तो यहाँ पर मैं दो राउंड ले रहा हूँ ताकि जो बाहर का जो डिज़ाइन है उसके लिए दो राउंड होना चाहिए। तो जो पहला जो राउंड है इसका जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर। तो आप जब ड्रॉ करोगे तो पहला फेस ड्रॉ नहीं करोगे, पहले ये राउंड ड्रॉ कर लोगे, है ना। 28 सेंटीमीटर के राउंड बनाओगे, दो राउंड के बीच में 12 सेंटीमीटर का गैप रख के दूसरा राउंड बनाओगे। फिर इसका जो राउंड है इसको चार पार्ट में डिवाइड करोगे, जैसे मैंने आधा किया और ये आधा 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 डिवाइड करोगे। तो एक साइड में राम जी को बनाना, एक साइड में सीता मैया को बनाना। ठीक है, तो ये 28 सेंटीमीटर के त्रिज्या लेके एक रेड सर्कल बनाना है। और जैसे देखिए बीच का लाइनिंग में कैसा, जो राम जी का आधा फेस ऊपर आधा फेस नीचे, उसी प्रकार के सीता मैया के भी करीब करीब आधा फेस ऊपर आधा फेस नीचे। तो जस्ट जो मैं बीच का लाइन से ऊपर का जो डिस्टेंस है ये है 15 सेंटीमीटर, और फेस के नीचे का है 7 सेंटीमीटर। या अपने हिसाब से अंदाजी थोड़ा सा आप फेस के ले सकते हो। ठीक है, तो ऊपर में 9 सेंटीमीटर है और नीचे में 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो करीब करीब ये 14 सेंटीमीटर है फेस सीता मैया के। और जैसे मैंने यहाँ पर राउंड भी करके दे रहा हूँ तो आपको समझ में आया कि को राउंड में हाथ वगैरह आएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ये पोजीशन किसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। एक्चुअली मैं जो कच्चा ड्रॉ किया था इस टाइप का था वो, तो ये भी स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ और उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर लीजिए पहले। अब इसमें थोड़ा सा आपके हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो ड्राइंग वगैरह में। ठीक है, तो चलो कलर फिल करना शुरू करते। तो बाहर में डार्क ऑरेंज दिया मैंने एक लाइनिंग, डार्क ऑरेंज के बाद लाइट ऑरेंज, लाइट ऑरेंज मैंने छन्नी से दिया। और लाइट ऑरेंज के बाद आपको लाइट ऑरेंज और येलो कलर को मिक्स करके देना है, नहीं तो कैसे येलो कलर और लाइट ऑरेंज में बहुत ज़्यादा गैप दिखेगा। तो गैप नहीं दिखना चाहिए क्योंकि दो कलर को मैं 50-50% में मिलाया, छन्नी में उनको फिल किया, और लास्ट में जितना बचेगा वहाँ पर हमें येलो कलर फिल करना है। तो ये आप रंगोली फिलर से फिल कर सकते हो, छन्नी से फिल कर सकते हो, या हाथ से भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो जितना हो सके थोड़ा सा बड़ा जगह है तो आप छन्नी से ही फिल करोगे या रंगोली फिलर से। ठीक है, तो बाहर के साइड में आप कोई भी दूसरा डिज़ाइन दे सकते हो, कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो यहाँ पर। मैं हमेशा वो पेटल बनाता हूँ या पिंक कलर का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया, कुछ डॉट से डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो ये डॉट का डिज़ाइन भी अच्छा दिखता है बनने के बाद, तो ये कर सकते हो आप। यहाँ पर दूसरा कोई डिज़ाइन आपके पसंद आता है तो वो कर सकते हो। तो मैंने कुछ डॉट दिया और फिर पेन के सहायता से इनको अंदर की तरफ खींचा, और इसके अंदर में इससे रिलेटेड डार्क कलर दे सकते हो या लाइट कलर दे सकते हो। जैसे डार्क पिंक कलर में मैंने थोड़ा सा उससे डार्क दिया, और जो वायलेट कलर था उसमें डार्क पिंक दिया, और रेड है तो रेड में आप ऑरेंज भी दे सकते हो या लाइट पिंक दे सकते हो। इसके बाद जो टूथपिक होता है, तो टूथपिक से इस कुछ कुछ बारीक लाइनिंग बनाए बीच में से, वो इसके बीच में एक बड़ा डॉट येलो का और एक छोटा डॉट। तो इस प्रकार के राउंड पूरा कंप्लीट करना है, और जो पूरा अंदर के राउंड है ये मैं डार्क ग्रीन से डॉट दिया। दो डिज़ाइन के बीच में जितना खाली जगह था वहाँ पर मैंने लाइट ग्रीन से फिल किया, और इस प्रकार के थोड़ा सा कर्व कर्व लाइनिंग बनाया। यहाँ पर आप फेविकॉल बॉटल से भी इस प्रकार डॉट बना सकते हो, या आपके पास फनेल है, चाड़ी है, नली है, तो इससे आप डॉट बना सकते हो। तो ये डॉट डॉट बनाना है, और अंदर में छन्नी के सहायता से वाइट कलर फिल करना है, और फिर कोई भी पेन से इस प्रकार के खींच के नीचे की तरफ डिज़ाइन बनाना। ठीक है, तो ये भी टेक्चर अच्छा दिखता है, फूल के जैसा टेक्चर आता है,
और यदि आपके बैकग्राउंड थोड़ा डार्क है तो ये वाइट कलर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। यदि आपके पास, यदि आप लाइट कोई लाइट बैकग्राउंड में बना रहे हो तो ये वाला जो भाग है इसको ये आप ग्रीन से ले सकते हो, लाइट ग्रीन बाहर अंदर में थोड़ा डार्क ग्रीन, या बाहर में डार्क ग्रीन अंदर में थोड़ा सा लाइट ग्रीन, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड बना लिए, तो पहले बैकग्राउंड कंप्लीट के लिए कर लीजिए और फिर जो फिगर है उसमें फिल करना शुरू करेंगे। तो यदि आप दिवाली में बना रहे हो तो दिवाली के एक दिन पहले बनाना शुरू करना और उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करना, क्योंकि दो दिन एक दिन में ड्राइंग और बैकग्राउंड बना के रखना और दूसरा दिन जो फेस वगैरह ये सारे बनाना, एक दिन पहले बनाना, क्योंकि दिवाली के दिन जो हमारे मन है ना वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ऐसा लगता है कि अरे समय जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो एक दिन पहले बना के रखना। एक्चुअली हम ये सारे भगवान की चीज़ें जो रंगोली वो सब घर के अंदर ही बनाते, तो एक दिन पहले बना के रखिए। तो जो राम जी के जो हेयर था उसमें मैंने ब्लैक कलर फिल किया, जो माथे के ऊपर कुछ फूल दिखाना था ऊपर मैंने वाइट डॉट दे के इस टाइप के पेन से डिज़ाइन बना दिया, उसके अंदर में थोड़ा सा पिंक कलर के डॉट दिया। आप फेस कलर फिल करने के पहले आपको ब्लैक रंगोली से इनको आउटलाइन कर लेना, आईज नोज आई आईब्रो। एक्चुअली मैं यहाँ पर चलो पहले फेस कलर बनाना सीखते हैं। फेस कलर बनाने के लिए आपको ज़्यादा करके वाइट लेना है, उसमें थोड़ा सा येलो कलर, थोड़ा सा पिंक कलर और थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिलाना है। इसमें वाइट ज़्यादा रहना चाहिए और जो स्किन कलर जब बनाते हैं ना वो लाइट होना चाहिए, एकदम डार्क नहीं होना। और जो स्किन कलर हम बनाते हैं वाइट में येलो कलर, पिंक कलर और ऑरेंज कलर मिला के, तो वो कम देना होता है और वाइट ज़्यादा देने से कैसा थोड़ा लाइट कलर बनता है। तो वो एक शेड बना है इसको डार्क करना है, मैंने दो तीन शेड, तीन शेड तो भी अपने पास होना चाहिए। तो जो पहला कलर बनाए थे हमने उसमें थोड़ा सा ऑरेंज और रेड और हो सके थोड़ा सा ब्राउन मिलाइए, तो थोड़ा सा डार्क होगा इस प्रकार के। ये पहला डार्क है वो लाइट लाइट स्किन कलर, ये पहला डार्क, और पहला डार्क को फिर से दूसरे कंटेनर में लेना है, उसमें थोड़ा सा रेड, थोड़ा ब्राउन और थोड़ा सा ब्लैक, तीन कलर मिलाओगे तो थोड़ा सा और डार्क होगा। तो शेडिंग के लिए अपने पास तीन या चार शेड होना चाहिए, तो लाइट स्किन कलर फर्स्ट डार्क और ये जो मैंने ब्लैक मिला है जिसमें वो सेकंड डार्क, ठीक है। तो ये तीन कलर से हम शेडिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो लाइट कलर था वो लाइट कलर से फिल करना है आपको। यहाँ पर कम जगह है तो आप फिलर से भी फिल कर सकते हो या हाथ से भी फिल कर सकते हो। एक्चुअली मैंने जो यहाँ पर ऑरेंज कलर, पिंक कलर और रेड कलर, ब्लैक कलर यूज़ किया वो सारे लेक कलर होता है। लेक कलर पाउडर जैसे होता है जो हम वाइट रंगोल के साथ में मिला के बनाते, तो ये कैसा बारीक होता है और कोई भी छोटे जगह पे हम अच्छे से उसको फिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो लाइट स्किन कलर था वो लाइट स्किन कलर फिल किया, इसके साइड में जो फर्स्ट डार्क था फर्स्ट डार्क भी थोड़ा साइड साइड में दिया, उसके बाद जो दूसरा डार्क था दूसरा डार्क भी हल्का हल्का देना है, दूसरा डार्क से फिर आई नोज़ गले के नीचे में ये कंप्लीट करना, आइज़ के ऊपर में थोड़ा सा लाइनिंग देना है, आइज़ के अंदर में वाइट रंगोली फिल करना है, उसके बाद जो हाईलाइट रहता है ना कपाल गाल इसमें थोड़ा वाइट वाइट देना होता है तो वो दे दीजिए, या थोड़ा बाद में देंगे या पर मेरा छूटा है लेकिन वो बाद में दे सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर थोड़ा कान भी दिखना चाहिए। और जब हम फेस कलर फिल करते हैं ना तो फेस कलर फिल करते समय वो हेयर में सारे ब्लैक कलर जाने लगता है, तो मतलब जब ये फेस कलर फिल करना हो जाएगा तो फिर जो हेयर के ऊपर स्किन कलर जाता है उसको फिर से थोड़ा सा फिल करना है ब्लैक कलर से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आईब्रो आईज आईज आईबॉल ये सारे ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, और इस सब लेक कलर होता है। लेक कलर क्या होता है एक्चुअली मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए पोर्ट्रेट रंगोली करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बताया कि लेक कलर क्या होता है, इसको कैसे बनाते, ठीक है। तो वो आप जाके वो उसमें चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में पोर्ट्रेट रंगोली का, और उसमें नंबर भी है आप कहाँ से मंगा सकते हो उसके डिस्क्रिप्शन में पोर्ट्रेट रंगोली के जो प्लेलिस्ट है, ठीक है। और जैसा हमने दूसरा डार्क बनाया था ना तो दूसरा डार्क में भी थोड़ा सा ब्लैक और मिला के मतलब तीसरा डार्क बनाना है, और जो आइस के ऊपर में थोड़ा लाइनिंग दिया ना वो ब्लैक नहीं होना चाहिए,
स्किन कलर के डार्क वाला होना चाहिए, तो वो डार्क कलर से दो लाइनिंग दीजिए आइज़ के ऊपर, वो होना चाहिए। और जैसा हाईलाइट करने के लिए जो जैसे गाल नाक आइज आईब्रो के नीचे में वो थोड़ा सा वाइट वाइट देना है। और ये सारे फेस कलर होने के बाद भी एक बार चेक कर लीजिए कि जो हेयर है, हेयर में कोई स्किन कलर तो नहीं आया है, तो एक बार वो थोड़ा फिनिशिंग कर लेंगे। क्योंकि कोई भी जब चीज़ें देखते तो पहले फेस की तरफ उनको नजर जाता है, तो फेस तो वो सा फेस में वर्क कीजिए और बाकी सिंपल सिंपल बनाइए। और एक्चुअली मैंने यहाँ पर सारे सिंपल सिंपल बनाए। हाँ, जैसे यहाँ पर धनुष है, तो धनुष के जो रस्सी है वो सीधा होना चाहिए, तो वहाँ पर आप स्केल रखिए और एक लाइनिंग बनाइए, वो लाइनिंग सीधा जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर स्केल रख के वो लाइनिंग बनाया, थोड़ा मार्किंग किया था और वो सीधा लाइनिंग बनाया, ठीक है। तो धनुष में मैंने ब्राउन कलर दिया, ब्राउन कलर नहीं है आपके पास तो आप रेड डार्क ऑरेंज और ब्लैक मिला के ब्राउन बना लीजिए। और ये जो फिलर है, फिलर से जिनका कपड़े हैं गेरुआ कलर के, तो यहाँ पर मैंने कौन सा कलर दे रहा हूँ, ये लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज नहीं, यहाँ पर एक लाइट ऑरेंज है, इसको मैंगो कलर बोलते हैं, ठीक है। यदि आपके पास ये नहीं है ये कलर, यदि आपके पास डार्क ऑरेंज है तो डार्क ऑरेंज और येल्लो मिलाइए, तो आपको इस प्रकार के लाइट कलर का यानी मैंगो कलर मिलेगा, ठीक है। तो हाथ में भी जो लाइट कलर के स्किन कलर बनाए थे वो फिल किया हाथ से, फिर जो पहला डार्क बनाया था वो डार्क दिया, और जो दूसरा डार्क बनाया था वो दूसरा डार्क से भी थोड़ा सा शेड किया। और इतना होने के बाद थोड़ा सा हाईलाइट करने के इसके ऊपर में थोड़ा सा वाइट वाइट रंगोली देना है, और लास्ट में इसको ब्लैक कलर से आउटलाइन कर लेना। और ये जो इनका जो कपड़े हैं यहाँ पर भी मैं डार्क ऑरेंज से कुछ लाइनिंग बना रहा हूँ, तो इसका जो फोल्ड है उसके लिए हमें डार्क ऑरेंज से लाइनिंग बनाना है, और उसके ऊपर में येलो कलर के रंगोली से हाईलाइट करना है, कुछ लाइनिंग देना है, और उसके बाद ब्लैक से आउटलाइन करना। यदि आपके पास लेग कलर नहीं है, बारीक नहीं है, तो जो भी कलर आपके पास है उसको छान लीजिए, जो भी ब्लैक कलर उसको छान लीजिए एक दो बार, तो आपको इतना बारीक रंगोली मिलेगा उसमें से, और फिर वही रंगोली से इनको आप आउटलाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी मैं ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रहा हूँ। और जब जो चीज़ हम कंप्लीट करते करते आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं पे भी रंगोली गैप है नहीं है, तो वहाँ पर वो फिल करते जाइए, और वो कंप्लीट करते हुए नीचे की तरफ आना है, ठीक है। तो ये जो कपड़े हैं यहाँ पर भी आपको ब्लैक से आउटलाइन करना है, एक्चुअली कपड़ा हाथ के ऊपर से गया वो। फिर जो हाथ में है ये ब्राउन कलर से डॉट डॉट देके माला बनाना है ब्राउन कलर से, तो आप थोड़ा सा डार्क करके ब्राउन बनाइए, तो डार्क हल्का सा डार्क ब्राउन अच्छा लगेगा वो। इसके बाद जो बचा है पैर के भाग कपड़े, तो यहाँ पर भी वही लाइट ऑरेंज कलर देना है, ठीक। ये जो मैं फिल कर रहा हूँ इसको रंगोली फिलर बोलते हैं, और ये मैक्सिमम जगह पे ये अवेलेबल है, जहाँ पे भी रंगोली मिलता है, रंगोली की शॉप है वो लोग रखते हैं, तो ऑनलाइन में भी आप अमेजोन से भी मंगा सकते हो आप। ठीक है, तो ये मैंने डार्क ऑरेंज से कुछ लाइनिंग बनाया, और डार्क ऑरेंज में थोड़ा सा और ब्लैक मिला के और डार्क किया। जैसे यहाँ पर मुझे डार्क कलर चाहिए, तो डार्क ऑरेंज में थोड़ा सा ब्लैक मिला तो और डार्क हो गया। तो ये डार्क कलर से कुछ लाइनिंग दीजिए ताकि वो सारे फोल्ड अच्छे से दिखे वो। और इसके बाद हमें येलो कलर से हाईलाइट करना है, ठीक है। जो येलो रंगोली उससे थोड़ा सा हाईलाइट करना ही, ताकि जो फोल्ड है वो कपड़े है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे वो।
या उठावदार दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर बैठा है, इसके दो चार पत्थर बताना है आपको। तो हाफ ऑफ सर्कल बनाइए, नीचे में ब्लैक, ऊपर में ब्राउन, और ब्राउन और ब्लैक को मिला के हाथ में मिक्स करना, और फिर वहाँ पर दो कलर के बीच में फिल करना। तो वो जो गैप गैप दिख रहा है रेड और ब्राउन, वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा और थोड़ा सा ब्लेंडर दिखेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर के लाइनिंग देंगे, कुछ फूल के झाड़ या पौधे। जस्ट मैंने यहाँ पर पिंक कलर का 5 डॉट दिया, लाइट पिंक से फिर डार्क पिंक, ओके, अंदर दिया कुछ कलर और अंदर में येलो कलर के डॉट। तो दो तीन फूल बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो ब्लैक रंगोली से इनको आउटलाइन करेंगे, जो कपड़े, हाथ, ड्रेस, हाथ में भी थोड़ा सा ब्राउन कलर से माला बनाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये करीब करीब हमने कंप्लीट किया। पैर का भाग बचा है, तो पैर में भी वही स्किन कलर देना है, लाइट वाला, फिर एक साइड में थोड़ा सा पहला डार्क, फिर उसके नीचे में दूसरा डार्क। और एक्चुअली पैर थोड़ा सा पिंक कलर का रहता है, तो आप पिंक कलर दिखा सकते हो, अपर पिंक कलर के पैर। और इनको ब्लैक कलर से आउटलाइन करेंगे, थोड़ा पिंक कलर दे रहे हो यहाँ पर, ताकि जो पैर हो थोड़ा पिंक दिखे। चलो अभी सीता मैया को कंप्लीट करते। तो सबसे पहले फेस में कलर फिल करने के पहले पहले हेयर में कलर करना। तो जब हेयर में कैसे सिर्फ ब्लैक की भरना होता है और उसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, उसमें कोई शेडिंग नहीं रहता, तो जस्ट जब भी आप कोई पाउडर में ब्लैक कलर फिल करते हो तो आपको लगता है कि आधा काम हो गया। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और आगे का काम जल्दी होता है। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले ब्लैक कलर जो हेयर होता है हेयर में फिल कर देता हूँ, ताकि ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक कलर से आईज, नोज, लिप बना रहा हूँ। तो आप चाहते यहाँ पर जो वैक्स कलर होता है या पेस्टल, ऑयल पेस्टल होता है, उससे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जो हेयर है हेयर में ब्लैक फिल करना है। एक्चुअली थोड़ा सा कम जगह, छोटे छोटे जगह है, तो यहाँ पर आप हाथ से भी फिल कर सकते हो। जहाँ पे जमेगा तो वहाँ पर फिलर यूज़ कीजिए। फिलर से क्या होता है, कलर थोड़ा सा स्प्रेड अच्छा होता है और वो फिनिशिंग ज़्यादा दिखता है हाथ से भी। लेकिन छोटे जगह होने की वजह से यदि आपको लगता है कि कहीं पर फिलर नहीं जा रहे, तो उतना जगह पर हाथ से फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर सेम ड्रेस रहेगा, सेम कलर का, यानी ऑरेंज ऑरेंज मैंगो कलर का ड्रेस है, लाइट ऑरेंज। ठीक है, तो ये साड़ी में थोड़ा सा बॉर्डर देंगे येलो कलर से। ठीक है, यहाँ पर फिलर से लाइट ऑरेंज कलर फिल कर रहा हूँ। आइस के अंदर में थोड़ा वाइट रंगोली, और जो हमने स्किन कलर बनाए थे लाइट वाला, वो लाइट वाला स्किन कलर पहले फिल करेंगे। तो पहले ब्लैक कलर से आइज नोज बनाने से फ़ायदा होता है कि स्किन कलर फिल करने के बाद भी वो मिटता नहीं, दिखाई देता, और लास्ट में हम उसको फिनिशिंग कर सकते हैं। और यदि कोई ड्रॉ किया और उसके ऊपर रंगोली फिल की स्किन कलर, तो वो दब जाता, तो मुश्किल होता वो। तो पहले आप थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए रंगोली से। तो यहाँ पर मैंने लाइट स्किन कलर फिल किया, उसके बाद में जो पहला डार्क था वो पहला डार्क दिया, उसके बाद साइड से और जो दूसरा डार्क है हल्का सा वो फिल किया। ठीक
ठीक है। तो जब आप कलर फिल करते हो तो उसमें एक्सप्रेशन आता है कि आप कितना अच्छे शेड किए। जैसे मैंने ये थोड़ा सा कपाल गाल इसमें थोड़ा सा वाइट रंगोली फिल किया, तो उससे कैसे थोड़ा सा हाईलाइट दिखता है, हाई उठावदा दिखता है। ठीक है, इतना होने के बाद आपको जो ब्लैक रंगोली, ब्लैक रंगोली से फिर से ये जो हेयर वगैरह था उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, दो चार जो हेयर है वो आप खुला भी दिखा सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको ब्लैक रंगोली से जो आईब्रो वगैरह, तो ये जो आईब्रो आप कैसा बना रहे हो, आईज कैसा बना रहे हो, आईबॉल कैसा बना रहे हो, उसके ऊपर वो इसका एक्सप्रेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा धीरे से बनाइए, एक्सप्रेशन थोड़ा सा एकदम शांत होना चाहिए एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आईज भी एकदम बड़ा नहीं, एकदम छोटा नहीं, और जो आईज वगैरह वो थोड़ा सा लंबा आना चाहिए। ठीक है, जैसे सीता मैया पवित्रता की मूर्ति है ना, तो उतना उसके चेहरे से आना चाहिए, जो चेहरे में हल्का सा स्माइल आना चाहिए, जो आईज है आईज में थोड़ा सा भाव आना चाहिए। तो ये सारे चीज़ जब फेस में आता ना तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है ना। तो ये हल्का सा स्माइल बनाइए फेस में, जो आईज है आईज का एक्सप्रेशन हल्का सा शांत होना चाहिए, जैसे राम जी का शांत लग रहा है आईज फेस कूल है ना, तो उतना एक्सप्रेशन आना चाहिए। ठीक है, तो एक जो फेस में हल्का सा स्माइल आना चाहिए, एक समाधान है, जो जंगल में रहते हुए भी यानी पति के साथ रहा तो उसका एक समाधान है जो राजमहल में नहीं मिल सकते थे है ना, तो पवित्रता के भाव सीता मैया के चेहरे से आना चाहिए आई थिंक। अब मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, इसमें बहुत सारे शेड कर सकते, एकदम ओरिजिनल से शेड कर सकते, पर मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि आप लोग ट्राई कर सकें और आप लोगों का इस टाइप का दिखे हो। एक्चुअली आप पोस्टर जैसे एकदम ओरिजिनल फ़ोटो जैसे बना सकते, इतना सारे आप बारीक काम कर सकते हो रंगोली से, पर मैं इजी बनाता हूँ ताकि आप लोग भी वो ट्राई कर सकें और एग्जैक्टली वैसा बने। तो हिम्मत कीजिए और दिवाली में बनाइए इस रंगोली को, क्योंकि दिवाली के समय राम सीता की बहुत इम्पोर्टेंस होता है, ऐसा मानते हैं लोग कि उस दिन राम सीता घर आए थे, और उस दिन पूरा जो उस समय जो देश था वो पूरा देश उस समय दिया लगाए थे, यानी तब से दिवाली मनाते ऐसा मान्यता है ना। तो दिवाली में राम सीता का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत दिन से कॉमेंट्स था कि सर राम सीता की रंगोली बनाइए दिवाली में, हम ट्राई करने वाले, तो जस्ट छोटा सा कोशिश आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क लाइट से हाईलाइट करना है ड्रेस को, और एकदम ज़्यादा शेडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा ब्लैक से आउटलाइन करना होगा। एक्चुअली यदि एकदम ज़्यादा डार्क डीप शेडिंग करते हैं तो फिर ये सारे आउटलाइन की ज़रूरत नहीं होता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सिंपल में बना रहा हूँ और इजी तरीके से बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आउटलाइन दे रहा हूँ। और अब भी जब बनाओगे तो आउटलाइन दोगे तो वो सारी चीज़ क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये शेडिंग करीब करीब हुआ, अभी ब्लैक से थोड़ा आउटलाइन कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई ऑर्नामेंट में नहीं है, जो राम जी के गले में जो रुद्राक्ष माला है
सेम वही दिखाया मैं यहाँ पर सीता मैया को भी, है ना। कोई कोई नारी है ना अपने पति के साथ है, वो समाधानी है, तो उसको कुछ नहीं चाहिए होता, ना उसको धन दौलत, ना उनको गहना, कुछ नहीं चाहिए होता है ना। तो वही चीज सीता मैया में दिखता है। ठीक है, तो जैसे ये आदर्श थे अपना, राम हमारा आदर्श है, हमारी संस्कृति है। ठीक है, तो हाथ में भी तो उंगली बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सुंदर लग रहा है, राम सीता की जोड़ी, हमारे आदर्श जोड़ी। ठीक है, तो हमारा ऐसा सुंदर सा राम सीता मैया जो त्याग और पवित्रता की मूर्ति है, तो हमने कोशिश की है सिंपल सिंपल में तरीके से उनको दिखाने के लिए। तो जो पैर के नीचे में भी जो पत्थर था उसको थोड़ा सा दिखाना है, और साइड में कुछ फूल और कुछ कली दिखाएंगे, और श्री राम के पैर के पास भी एक फूल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी आप हाथ से भी डॉट बना सकते हो, फनेल से बना सकते हो, या फेविकोल बॉटल से। कुछ डॉट बनाना है और डॉट को थोड़ा सा उंगली से ही प्रेस करना है और फूल के शेप बनाना है। ठीक है, इसको कुछ शेप बना लेंगे, उसके अंदर में कुछ कलर दीजिए, कुछ डॉट दीजिए, और फिर वहाँ पर डार्क ग्रीन से कुछ डॉट बनाना है और थोड़ा सा पत्ती बनाना है। ठीक है, कुछ फूल सीता मैया के पैर में अर्पण। और जैसे सीता मैया के पैर के पास भी कुछ फूल बनाए, तो इस प्रकार के राम जी श्री राम के पैर के पास भी एक सिंपल सा फूल बनाएंगे। तो इस प्रकार के सुंदर सा राम सीता के रंगोली बनाएंगे दिवाली पे। तो बोलो सिया रामचंद्र की जय, जय श्री राम। आप सभी लोगों को जीत रंगोली परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, और ये वाला रंगोली कौन कौन ट्राई करने वाले वो भी बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने से हो जाएगा, एकदम ईजी तरीका है। एक बार देख लीजिए वीडियो, पूरा वीडियो को, और स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करोगे तो बन जाएगा बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस प्रकार के सुंदर सुंदर रंगोली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।